पीछे हमने जाना प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान मीन्स आई आर एम एस मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। अब चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ बनाने जा रहे हैं हम। प्रत्यावर्ती परिपथ जो होते हैं तो उन परिपथों में चार तीन चीजें जो है कार्य करती हैं, प्रतिरोध, कुंडली, संधारित्र। तो आगे हैं एल आर सी या आर एल सी से निर्मित प्रत्यावर्ती परिपथ। पहले हम इन्हीं को समझ लें थोड़ा सा। आर, आर के बारे में हम जानते हैं प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है। एल प्रेरकत यानी कुंडली है। सी संधारित मींस कैपेसिटर है। आर भी धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। आर का सिंबल जो है वो ये है। एल, एल का सिंबल इस तरह से है। सी, सी का सिंबल ये। तीनों धारा के मार्ग में क्या डालते हैं? रुकावट डालते हैं, इसलिए इन्हें हम करंट ब्रेकर कह सकते हैं। जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं, एक दो नाली की पाटें खड़ी हो गई तो आपकी स्पीड रुक गई, कुछ उसने गोल गोल बना दिए तो आपकी धारा स्पीड रुक गई, या किसी तरीके से नुकीले तिकोने से पत्थर खड़े कर दिए तो अब भी आपकी धारा रुक गई, स्पीड रुक गई। उन्हें बोलते हैं हम स्पीड ब्रेकर, इन्हें बोलते हैं हम करंट ब्रेकर। हम अगर इन परिपथों में लगा दें इन तीनों को तो धारा के मार्ग में रुकावट यानी धारा का क्या होता है? क्षय होता है, धारा की ऊर्जा की प्रत्यावर्ती धारा की हानि। तो इन्हीं से मिलकर कुछ परिपथ बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम आर्युक्त परिपथ जानेंगे। कितने परिपथ बनेंगे? एक आर्युक्त परिपथ बनेगा, एल युक्त परिपथ बनेगा, सी युक्त परिपथ बनेगा, आर एल परिपथ बनेगा, आर सी परिपथ बनेगा, एल सी परिपथ बनेगा, आर एल सी तीन। यानी इस तरह से हम कितने परिपथ निर्मित करने जा रहे हैं? सात परिपथ। आर एल सी, आर एल, आर सी, एल सी, आर एल सी, ये सात परिपथ हम निर्मित करने जा रहे हैं। इन सातों परिपथ में विभांतर का मान क्या होगा, धारा का मान क्या होगा, आई आर एम एस क्या होगा, ठीक है, वी और आई के बीच कलांतर क्या होगा, ठीक है, ये सब चीजें हम इनमें जानने जा रहे हैं। इन पूरे परिपथों की जानकारी लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम किससे? आर्युक्त परिपथ से, बिल्कुल सिंपल। तो पहले है हमारे पास सबसे पहले आर्युक्त परिपथ। कौन से परिपथ को समझते हैं पहले? आर्युक्त परिपथ यानी शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ मींस एक बिल्कुल प्योर प्रतिरोध मींस रेजिस्टेंस ले रहे हैं, उसको एक परिपथ में लगा दे रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? परिपथ निकालते हैं। आर्युक्त परिपथ वाली बात करें तो आर्युक्त परिपथ में क्या होगा? एक शुद्ध प्रतिरोध लिया जी हमने, इस शुद्ध प्रतिरोध के स्रोत पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया। कौन सा स्रोत जोड़ दिया? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। चाहो तो ऐसे बना लो और चाहो तो इस तरह से साइन कर लो। ये एसी करंट है, इसका मान बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी है। इसका मान बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी है। इसके स्रोत पर जो विभांतर लगाया वह बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी, जहां ओमेगा क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति यानी टू पाई एफ, जहां एफ प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति हो गई, ओमेगा कोणीय आवृत्ति। बी जीरो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती विभांतर का आयाम या शिखर मान है। आयाम या कौन सा मान है? शिखर मान है। इस एक शुद्ध प्रतिरोध लिया, उसे एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के स्वरूप पर हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तब इसमें प्रवाहित धारा प्रतिरोध में
आई बराबर वी अपॉन आर होगी। क्यों? सीधा सीधा प्रतिरोध में विभांतर पता करो, प्रतिरोध के स्रोत का प्रतिरोध पता करो, आपको उसमें धारा पता चल जाएगी। क्योंकि V बराबर कितना है, V जीरो साइन ओमेगा टी, तो I बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन R, V जीरो अपॉन R। इसकी तुलना इस समीकरण की तुलना I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी से करने पर, क्यों इसमें भी तो प्रत्यावर्ती धारा है, जब प्रत्यावर्ती धारा है तो वो इतनी होगी, जब तुलना करें तो I जीरो बराबर V जीरो अपॉन R होगा। दोनों तरफ रूट टू का भाग दे दो, ये क्या हो गया I R M S, ये हो गया V R M S अपॉन समीकरण नंबर दो, कह दिया ये सूत्र बन गया इस परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान। क्यों? प्रत्यावर्ती, इसमें जब भी अमीटर लगाओगे तो इतनी धारा मापेगा, आई आर एम एस वैल्यू नापता है, और विभवांतर वोल्ट मीटर लगाओगे तो उसका विभवांतर ही होगा। तो ये आर युक्त परिपथ के लिए धारा और विभवांतर का क्या आ गया, संबंध। अब क्वेश्चन उठा कि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर कितना है, धारा व विभवांतर के बीच कलांतर, धारा व विभवांतर के बीच कलांतर, धारा व विभवांतर के बीच कलांतर, तो पहले नहीं कह पाते, ठीक है, ये आ जाएगा, या आई आर एम एस बराबर बी आर एम एस अपॉन आर, जो समीकरण दो हो गया। अब बात करें हम क्या करना चाहते हैं, धारा व विभवांतर के बीच क्या निकालना चाहते हैं, कलांतर। धारा व विभवांतर के बीच, धारा कितनी, विभवांतर कितना लगाया था, बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी, धारा क्या मिली थी, I बराबर I जीरो साइन ओमेगा, I जीरो की जगह लिखना चाहिए हमें V जीरो अपॉन R। जब इतना विभवांतर अप्लाई किया तो धारा का सूत्र इतना मिला हमें। जब देखें इनके कोणों का अंतर, कलांतर फाई, फाई बराबर इसका कोण है ओमेगा T, इसका कोण है ओमेगा T, तो इसमें कलांतर क्या होता है, शून्य, यानी धारा व विभवांतर समान कला में चलते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, धारा व विभवांतर समान कला में होते हैं, सबसे सरल परिपथ है, दोनों कैसी कला में है, समान, क्योंकि इनके कोणों के बीच कोई अंतर नहीं, इतना विभवांतर अप्लाई किया, यही तो लगाया था विभवांतर, सूत्र धारा का में ये प्राप्त हुआ, इनके बीच कितना कोण का अंतर है, ये देखो कोण इसका ओमेगा टी, इसका कोण ओमेगा टी, तो कोण का अंतर कुछ नहीं है। जब कलांतर शून्य है तो अगली चीज आती है, विभवांतर व धारा के बीच वेक्टर आरेख। वैसे वेक्टर आरेख नहीं खींचना चाहिए क्योंकि ये सदिश राशियां नहीं है, लेकिन यहां वेक्टर आरेख यह बताती है कि यह कैसी कला में चल रहा है, इनके बीच कला क्या है, बस कोण बताती हैं। यहां पर दोनों समान कला में, ये विभवांतर हो गया और ये हो गई धारा, दोनों कैसी कला में है, समान कला में है। तुम देख रहे हो जब समान कला में इनके बीच कोई कोण नहीं है, जिस दिशा में विभव चल रहा है, जिस समय पर विभव का मान अधिकतम होगा उसी समय पर धारा का मान भी अधिकतम होगा, जिस समय पर जे कोई अंतर नहीं है इनके चलने में, वो वेक्टर आरेख वो नहीं है दिशा को व्यक्त करने वाला, यह बता रहा है कि जहां विभव अधिकतम वहीं धारा अधिकतम, जहां पर विभव का मान न्यूनतम वहां धारा का मान न्यूनतम, यानी ये समान कला में चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जहां पर विभव अधिक होगा वहीं धारा अधिक होगी, जहां धारा कम होगी वहां विभव कम होगा, यानी दोनों के बीच वेक्टर आरेख
एक ही लाइन में खींचेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब बात आती है विभवांतर व धारा के बीच ग्राफीय निरूपण, ग्राफ में निरूपित करना है इन दोनों को। तो हमने कहा एक अक्ष पे हमने समय लिया, क्यों दोनों समय पर निर्भर करते हैं, एक अक्ष पर बी या आई ली। एक चीज और गौर करें, विभव की लाइन हमने बड़ी बनाई, धारा की लाइन छोटी बनाई। प्रत्यावर्ती धारा में विभव प्रधान होता है, बड़ा होता है, तो हमेशा विभव की लाइन बड़ी बनेगी, धारा की लाइन छोटी। अब देखें जरा यहां पर पहले कौन विभवांतर बना दे रहा, विभवांतर ये बना विभवांतर का, प्रत्यावर्ती ऐसे ही बनता, ठीक है। अब बनानी धारा समान समय में, धारा जी बनी, जब जब विभव अधिकतम तभी तभी धारा भी अधिकतम, जब विभव जीरो धारा जीरो, फिर विभव अधिकतम धारा अधिकतम, दोनों साथ साथ चल रहे। ये समीकरण जो है वो है आई बराबर वी जीरो अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी, और यह समीकरण है वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, यह कहलाएगा ग्राफीय निरूपण। हमने इस परिपथ में इतनी सी बात जानी, इतना विभवांतर लगाते हैं तो इतनी धारा मिलती है, इनके कोणों का अंतर जीरो आता है, अर्थात दोनों कैसी कला में, समान कला में है, ग्राफीय निरूपण बिल्कुल एक साथ चलेगा। ये था अपना आर युक्त परिपथ। क्या कहा, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इस शुद्ध प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई है, विभवांतर बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी है। हमने पहले ही कहा प्रत्यावर्ती विभवांतर वह विभवांतर जो समय के अनुसार क्या हो, परिवर्तित हो, एक निश्चित समय के मान जिसके मान में पुनरावृत्ति हो, तो ये विभवांतर लगाया, जहां ओमेगा जो है टू पाई एफ, एफ है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, बी विभवांतर का आयाम, ये मान इसमें रख दो, सॉल्व कर दो इसे, ये आया। इन दोनों समीकरण, एक समीकरण ये बना, एक समीकरण ए, इतना अप्लाई किया इतना प्राप्त हुआ, इतना विभव लगाया इतनी धारा मिली, तो इनके बीच कितना कोण का अंतर हो गया यह निकालना है। दोनों के कोणों को घटा दो, आपको कलांतर शून्य मिला, जब समान कला में है तो एक ही दिशा में, और ग्राफ बिल्कुल एक साथ चलेगा। आई इसकी और इसकी तुलना करो, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा, तो आई जीरो का मान मिला, यह प्रतिरोध युक्त परिपथ के लिए धारा। सवाल होगा एक परिपथ में वोल्ट मीटर लगाने पर 4 वोल्ट या 200 वोल्ट का विभव आता है, प्रत्यावर्ती धारा का मान ज्ञात करो, तो आई आर एम एस बराबर बी आर एम एस अपॉन आर, बी आर एम एस दिया 200 वोल्ट, आर का मान 50 ओम। अब आपसे कहा गया धारा का मान ज्ञात करो, उसको सीधा सीधा लगाना है, तो ओम का ही नियम, लेकिन जब एल ओ सी लगेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। देखते हैं एल ओ सी वाले में क्या आते हैं, उनको समझेंगे अगले भाग में एल युक्त परिपथ में।